हेलो बच्चों हाय एवरीवन चलिए बच्चों मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करेंट के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं देखो बच्चों अभी तक हम बातचीत कर रहे थे कि कोई भी चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा इसमें मैंने आपको कुछ ऐसे केसेज भी बताए जिनमें चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो अप्लाई हो रहा था और कुछ ऐसे केसेज थे जिनमें मैग्नेटिक फ़ोर्स नॉन अप्लाई हो रहा था और इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स को भी कवर किया देन हमने टोटली totally डिफाइन किया था लॉरेंज फोर्स कि अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है तो लॉरेंज फोर्स अपना क्या होगा आज के इस लेक्चर में बच्चों हम बातचीत करेंगे कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल को मैंने परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसका मूवमेंट का टाइप कैसा होगा उसके मूवमेंट का ट्रैक क्या होगा कितने टाइम तक वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा और कैसे न्यूमेरिकल हमारे फ्रेम होते हैं तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये मैग्नेटिक फोर्स के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है काफ़ी यूजफुल कॉन्सेप्ट है इसको आज हम समझने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा लेक्चर देखो बच्चों, हमारा टॉपिक है मूवमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक अब यहां पर मैंने परपेंडिकुलर बॉडी क्यों यूज में लिया अनोदर बॉडी यूज में क्यों नहीं लिया तो देखिए अभी हम स्टार्टिंग में बातचीत करेंगे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जब हमारा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा तो उसके बाद बच्चों हम बातचीत करेंगे इंक्लाइन मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड जितने भी केसेस पॉसिबल हैं उन सब के बारे में परपेंडिकुलर से हम कॉन्सेप्ट की लर्निंग को कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं तो हम स्टार्ट करने वाला जो हमारा टॉपिक है वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है और ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल भी है तो देखिए है क्या है एक बार मैं ये ऑन कर लेता हूँ हाँ जी चलिए तो मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लेट से मैं बोल देता हूँ आपको बेटा ये कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनवर्ड प्रेजेंट है इसकी डायरेक्शन क्या है अपनी इनवर्ड क्लियर मैं यहाँ पर बोल देता हूँ बच्चों कि ये कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है क्यों इसकी विलॉसिटी वी है ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड है हमारा नेगेटिव जेड डायरेक्शन में डैट मीन्स हे वेलोसिटी विलॉसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर। बता रही समझ में वेलोसिटी अंदर की तरफ है वेलोसिटी हॉरिजेंटल है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है अब चेक करते हैं इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो कितना लगेगा इसका मूवमेंट कैसा होगा और क्या क्या हमारे नए कॉन्सेप्ट यहां से बनने वाले तो देखिए अगर मैं बातचीत करूं पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल विच इज डिनोटेड बाय एफ एन डेट इज इक्वल टू होता है क्यू वी वी साइन एकदम सिंपल सा तरीका है कि मैग्नेटिक फोर्स जो अप्लाई होगा वो तो होगा हमारा क्यू वी वी साइन थीटा। अगर बेटा मैं यहाँ पर वैल्यू लिखूंगा मैग्नेटिक फोर्स की तो यहाँ पर चार्ज क्यू है वेलोसिटी वी है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है डेट मीन्स कि थीटा यहाँ पर हमारा नाइन्टी है और साइन नाइन्टी हमारा हो जाएगा उपर. तो मैं बोल सकता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विच इज इक्वल टू होगा क्यू वी वी राइट इतना अमाउंट का मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा अब चेक करते हैं डायरेक्शन क्या होगी तो देखिए यहाँ पर बेटा हमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के लिए ऑल टाइम यूज में लेना है लेफ्ट हैंड रूल फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मिडल फिंगर को वेलोसिटी की डायरेक्शन में तो थंब हमारा किधर जा रहा है अपोवाड डायरेक्शन में डेट मीन इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो अपवा डायरेक्शन में लगेगा अगर मैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं तो मैग्नेटिक फोर्स किधर जा रहा है अपवर्ड आ रही बात समझ में और आपने पढ़ा है मैकेनिक्स में इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो इट एक्ट एज अ सेंटिपिटल फोर्स एंड इट विल ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी तो ये ओनली डायरेक्शन में चेंज करेगा लेकिन अगर फोर्स पैलल है वेलोसिटी के तो ये ओनली मैग्नीट्यूड में चेंज करेगा ये वाला कॉन्सेप्ट आपने मैकेनिक्स में भी पढ़ा है अगर नहीं पढ़ा है तो वापस से समझ लो इफ फोर्स इज पैल टू वेलोसिटी और एंटी पैल टू वेलोसिटी इस वाले केस में ये स्पीड अप करेगा इसमें स्पीड डाउन करेगा डैट मीन्स यहाँ पर ये ओनली मैग्नीट्यूड में ही चेंज करेगा लेकिन अगर फोर्स परपेंडिकुलर हो जाए वेलोसिटी के फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जैसा कि अपना सर्कुलर मोशन में सेंटिपिटल फोर्स होता है तो ये ओनली वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही चेंज करेगा पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव कराएगा उसके मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं करेगा अरे बात समझ में अगर मैं बेटा यहाँ पर मोशन को एनालाइज करता हूं तो हेयर मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी सो हेयर आई कैन से मैग्नेटिक फोर्स एक्टर एक्ट एज अ सेंट्रीपीटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कैसे एक्ट करेगा एज अ सेंट्रीपीटल फोर्स हैंस पार्टिकल विल मूव विल मूव इन सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री इन सर्कुलर पार्ट फोर्स परपेंडिकुलर है तो ये यहाँ पर इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा ओवरऑल मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जो पार्टिकल है अब वो सीधा ना जाकर ऐसे सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री में मूव करने का ट्राई करेगा वो सर्कुलर पाथ में मूव करने का ट्राई करेगा अरे बात समझ में सिंपल सा लॉजिक है और अगर आप बेटा यहाँ पर चेक करते हो जैसे अगर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ अब चार्ज पार्टिकल इधर आ गया इसका विलासिटी इधर है अगर इस पर डायरेक्शन निकालोगे फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील मिडल फिंगर को वेलोसिटी स्टिल मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर ही आएगा और परपेंडिकुलर है तो फिर ये डायरेक्शन में चेंज करेगा ओवरऑल मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये बेटा ऐसी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा ये सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री में ही मूव करेगा आ रही बस समझ में ठीक है तो यहां पर ये यह सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जैसे ही मैं चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो ये चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव कराता है क्योंकि ये एक्ट करता है एज अ सेंटिपिटल फोर्स आई बात समझ में सो हेर वी कैन से मैग्नेटिक फोर्स डैट इज इक्वल टू सेंटिपिटल फोर्स एंड डैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग इन दिस कॉन्सेप्ट अगर चार्ज वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो इस वाले केस में तो फोर्स क्या होगा अपना जीरो लेकिन अगर परपेंडिकुलर है तो ये किस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सेंटिपिटल में ओवरऑल चार्ज पार्टिकल हमारा सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री में मूव करना स्टार्ट करेगा ओवरऑल चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ही अपना मूव करेगा आई बात समझ में तो यहां पर क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो कितने रेडियस के सर्किल में मूव करेगा कितने टाइम में ये अपने सर्किल को पूरा कर लेगा फ्रीक्वेंसी क्या होगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी डेट मीन्स सर्कुलर से रिलेटेड डेटा आपसे पूछना स्टार्ट कर देता है क्योंकि इसका मूवमेंट यहाँ पर सर्कुलर हो गया है तो अब हम बातचीत करेंगे क्या क्या सर्कुलर इंफॉर्मेशन हमारी यहाँ पर डिटरमाइन हो सकती है क्या क्या सर्कुलर कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर बन सकते हैं सबसे पहले आपको इस चीज को समझना होगा डटना नहीं है कि ये चार सर्कुलर पाथ में ही क्यों गया जब पैरेलल था तो फोर्स जीरो था तब कुछ भी चेंज नहीं हुआ लेकिन परपेंडिकुलर होते ही सर्कुलर में गया क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फोर्स सेंटीपीटर के इक्वल हो गया और ऑल टाइम फोर्स परपेंडिकुलर रहता है ऑल टाइम क्यों रहेगा क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट से आता है तो फोर्स वेलोसिटी के तो परपेंडिकुलर ही रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट में जो नया वेक्टर निकल के आता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर ही आएगा ठीक है आप यहाँ पे लिख सकते हो मैग्नेटिक फोर्स ऑल टाइम वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फोर्स ऑल टाइम मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा ये कॉन्सेप्ट हमेशा वैलिड होगा तो हमेशा ये परपेंडिकुलर रहने वाला है तो ऑल टाइम ये सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री में ही जाएगा अगर मैग्नेटिक फील्ड अपना परपेंडिकुलर है और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अपना प्रेजेंट अभी नहीं है क्लियर चलिए तो देखो बच्चों आपसे यहां पे पूछ लेता है कि ये चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो सर्कुलर पाथ में इसकी वेलोसिटी क्या होगी रेडियस क्या होगी जैसे पहला मैं निकाल लेता हूं रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कितने रेडियस में ये मूव करें तो आपको क्या बोला है यहां पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है ये किसके इक्वल हो गया अपने सेंटिपीटल के कितना मैग्नेटिक फोर्स हमारा लग रहा है बच्चों यहां पर क्यू वी वी सेंटीपीटल अपना कितना है एम वी स्क्वायर बाई आर अगर रेडियस इसकी कैपिटल आर से मैं लिख रहा हूं तो सेंटीपीटल फोर्स क्या होता है एम वी स्क्वायर बाई आर वी से तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा दैट मीन्स रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ विच इज इक्वल टू आएगा एम वी अपॉन इतने रेडियस के सर्कुलर पाथ में ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा डेट इज़ अ वी अपॉन क्यू आई बात समझ में जिसको अलग अलग तरीके से भी लिख के दे देता है एम वी को आप बोल सकते हो मोमेंटम तो इसको मैं बोल सकता हूँ बेटा पी अपॉन क्यू बी मोमेंटम को आप काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में भी लिख सकते हो तो इसको आप लिख सकते हो रूट टू एम के अपॉन क्यूबी आपने पढ़ रखा है वर्क फॉर एनर्जी में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन मोमेंटम होता है रूट टू एम के तो इसको काइनेटिक एनर्जी दी जाए तब भी हम रेडियस निकाल सकते हैं अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो ये सर्कुलर पाथ में जाएगा और इसकी रेडियस विच इज इक्वल टू होगा अपना एम बी अपॉन क्यू बी जिसको पी अपॉन क्यू बी एंड रूट टू एम के अपॉन क्यू बी की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनता है आ रही बात समझ में तो सबसे पहला तो हो गया बच्चों रेडियस हालांकि हम इस पूरे कॉन्सेप्ट पर काफी सारे क्वेश्चन भी करेंगे ताकि हमारी एक प्रॉपर लर्निंग यहां पर बन पाए ठीक है लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है तो पहला तो ये हो गया जैसे सेकेंड आपसे पूछ लेता है टाइम पीरियड क्या होगा अब देखो टाइम पीरियड को कैसे निकाला जाए अगर मैं इस चार्ज के मूवमेंट को एनालाइज करूं तो मैग्नेटिक फोर्स ओनली वेलोसिटी की डायरेक्शन को ही चेंज कर रहा है क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर है तो ये ओनली डायरेक्शन में ही चेंज करेगा और कोई भी पैरामीटर में चेंज नहीं कर रहा है राइट डेट मीन मैग्नीट्यूड इसका ऑल टाइम फिक्स है और अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी फिक्स है तो मैं बोल सकता हूं बेटा टाइम विच इज़ इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम डैट इज इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम पीरियड मुझे लिखना है आपने पढ़ रखा है टाइम पीरियड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड टोटल डिस्टेंस होगा टू पाई आर अपॉन वेलोसिटी हो जाएगी इसकी वी तो यहाँ से मैं बोल दूंगा बेटा टाइम पीरियड डेट इज इक्वल टू आएगा टू पाई अपॉन वी या रेडियस इज आर एम वी अपन क्यू वी से वी कैंसिल आउट होगा तो टाइम पीरियड आएगा अपना टू पाई एम अपॉन जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर मूव कर रहा है इसका टाइम पीरियड कितना होगा अपना टू पाई एम अपॉन क्यू बी इतने टाइम पीरियड से ये मूव करेगा हर ये बात समझ में और ये देखिए अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो ये ओनली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर रहा है मास और चार्ज पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पर कोई भी विलोसिटी की टर्म नहीं आ रही है इस वाली बात को मैं थोड़ा अच्छे से आपको समझाऊंगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है सबसे पहले आपको ये सारी बातें समझनी है रेडियस समझ कैसे निकालते हैं टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं और इनकी वैल्यू क्या होगी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ही मूव क्यों कर रहा है तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप नोट डाउन करो फिर इनसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं निकालता हूँ जहाँ पर हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं फिर हम अगले डेटा को निकालेंगे लिख लो बच्चों इसे कॉपी कर लो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होगा इन कॉन्सेप्ट को मैं कैसे सॉल्व करना है चलिए अब देखो जैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इन दोनों टॉपिक में पहले बातचीत कर लेते हैं रेडियस जो है डेट इज एम वी अपॉन क्यू वी डेट मीन जैसे ही मैं वेलोसिटी की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो चार्ज पार्टिकल की रेडियस भी बढ़ जाएगी आ रही ना बात समझ में अगर आप इस डायग्राम को देखो मैग्नेटिक फील्ड को मैंने जैसे फिक्स कर दिया मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है ठीक है चार्ज क्यू पहले से फिक्स है इसका मास भी फिक्स है तो ये तो अपने फिक्स हो गए अगर मैं वेलोसिटी को बढ़ाऊंगा तो इसकी रेडियस की बढ़ती हुई चले जाएगी अरे बात समझ में तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है वेलोसिटी अगर बढ़ाई जाए तो रेडियस भी बढ़ेगी बट टाइम पीरियड वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है हेयर टाइम पीरियड इज़ वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं देखो बच्चों मैं कितनी भी वेलोसिटी बढ़ा लूँ अगर मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है वही चार्जेस जिसको हम पहले मूव करा रहे थे मैं वेलोसिटी को टेन मीटर से थाउजेंड मीटर पर सेकंड कर दूं, लेकिन टाइम पीरियड इसका सेम रहेगा उस सर्किल को कंप्लीट करने में कोई भी चेंज नहीं होगा अगर ये छोटा भी चार सेकंड में कर रहा है तो बड़े को भी चार सेकंड में ही करेगा क्योंकि जैसे ही मैंने वेलोसिटी की वैल्यू को बढ़ाया तो इसकी रेडियस भी बढ़ती हुई चले जाएगी और अगर रेडियस बढ़ेगी तो सर्किल बड़ा हो जाएगा वेलोसिटी भी ज़्यादा है ओवरऑल टाइम जो रहता है वो सेम रहेगा अरे बात समझ में तो टाइम पीरियड में वेलोसिटी को बढ़ाने पर कोई भी चेंज नहीं होगा ऐसा मत सोचना वेलोसिटी बढ़ा दी अब तो सर्किल जल्दी कंप्लीट हो जाएगा टाइम पीरियड कम हो जाएगा नहीं अगर वेलोसिटी बढ़ा दोगे तो रेडियस बढ़ जाएगी लेकिन टाइम पीरियड में कोई भी चेंज नहीं होगा आ बात समझ में तो ये दो तो हमारे बेटा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गए रेडियस कितना होगा और टाइम पीरियड कितना होगा अगली बात करते हैं जैसे थर्ड आपसे पूछ लेता है फ्रिक्वेंसी क्या होगा ये तो सिंपल सिंपल से पैरामीटर है आपने पढ़ रखा है फ्रीक्वेंसी इज अ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड फ्रिक्वेंसी इज अ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड दैट मींस फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू होता है वन अपॉन टाइम पीरियड जिसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा क्यू बी अपॉन टू पाइए ये हमारा कितना आएगा क्यू बी अपॉन टू पाइए इसमें भी कोई बहुत बड़ी लर्निंग नहीं है इसको भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो जैसे फोर्थ अगर बच्चों मुझे लिखना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स ओमेगा के बारे में अगर मुझे बातचीत करनी है तो आपने पढ़ रखा है ओमेगा होता है बच्चों टू पाई एफ अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा टू पाई एफ है हमारा क्यू बी अपॉन्ट टू पाई एफ तो यहाँ से ओमेगा विच इज इक्वल टू आ जाएगा अपना क्यू बी अपॉन्ट एंगुलर फ्रिक्वेंसी का भी फॉर्मूला और फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला तो जो हमने पिछले रिजल्ट निकाले हैं उनसे निकाले जा सकते हैं इनमें इतनी बहुत बड़ी लर्निंग भी नहीं है डायरेक्टली पूछता भी नहीं है नॉर्मली आपको रेडियस और टाइम पीरियड इन दोनों पैरामीटर के बारे में पूछ रहा होता है इनकी ही वैल्यू को आपको कैलकुलेट करने के लिए आप बोलेगा ठीक है इन दोनों बातों को हमें अच्छे से समझना है इसके पीछे का जो कारण है क्यों ये सर्कुलर पाथ में मूव किया इस कारण को हमें अच्छे से समझना है तो हम सारे न्यूमेरिकल को अटेम कर पाएंगे और इस पर काफी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बनती हैं कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सबको भी हम चेक करेंगे एक बार आप इसे नोट डाउन कर लो थर्ड पेज भी लिख लो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी एंड एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू अपनी कितनी होगी फिर चेक करते हैं कैसे न्यूमेरिकल्स हमारे यहाँ पर फ्रेम होते हैं कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स की भी बातचीत करेंगे कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल्स की भी बातचीत करेंगे हर टाइप के न्यूमेरिकल को हम लिखने वाले हैं चलिए देखो बच्चों जैसे पहला न्यूमेरिकल ले लेता हूँ मैं कॉन्सेप्चुअल लेट से लेट थ्री चार्ज पार्टिकल थ्री चार्ज पार्टिकल Proton, comma, deutron and alpha are moving with the same kinetic energy in same magnetic field. डेटामाइन रेशियो ऑफ देयर रेडियस आपको बताना है इनके रेडियस का रेशियो क्या होगा तीन चार्ज पार्टिकल हैं, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, है और एक एल्फा है सेम मैग्नेटिक फील्ड से ये मूव कर रहे हैं ठीक है सेम मैग्नेटिक फील्ड में सेम काइनेटिक एनर्जी से ये मूव कर रहे हैं आपको बोला है इनकी सेम काइनेटिक एनर्जी है तो इनकी रेडियस का रेशियो क्या होगा इसके बारे में हमें सोचना है डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस रेडियस का रेशियो क्या होगा ये आपको निकालना है आपने पढ़ रखा है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है ये मैंने यहां पे मेंशन नहीं किया आप कंसीडर कर सकते हो हेयर मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर राइट परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव कर रहे हैं तो आपको बताना है कि रेशियो ऑफ देयर रेडियस क्या होगा इसके बारे में हमें डिटरमाइन करना है कैसे सॉल्व किया जाए किस तरीके से रेडियस की वैल्यू निकाली जाए देखो बच्चे जो सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करो बाकी मेरे साथ समझ लो कैसे सॉल्व करते हैं ये है हमारी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम जैसे आपको तीन चार्ज पार्टिकल बोले हैं एक तो है प्रोटॉन, एक है बच्चों हमारे पास ड्यूट्रॉन और एक है हमारे पास एल्फा राइट right? अगर मैं प्रोटॉन की बातचीत यहां पर करता हूं तो प्रोटॉन का आपने पढ़ रखा है बेटा इसका मास होगा एम पी जैसे प्रोटॉन तो क्या होता है वन एच वन ड्यूट्रॉन अपना क्या होता है वन एच टू ड्यूटीरियम जो होता है केमिस्ट्री में उसको फिजिक्स में हम ड्यूट्रॉन बोलते हैं और एल्फा हमारा हो गया टू एच ई फोर राइट right? तो अगर मैं प्रोटॉन का मास लिखूं तो मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन का लिखूं तो इसमें एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वली होता है तो इसको मैं बोल सकता हूं दैट इज अ ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन अगर एल्फा का लिखूं तो एल्फा हो जाएगा फोर टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन क्योंकि इसका एटोमिक मास नंबर फोर है तो इनकी मास की वैल्यू तो अपनी ये होगी क्लियर अगला देखो बेटा अगर चार्ज की वैल्यू की बातचीत करूं तो ये होता है H प्लस तो इस पर एक प्रोटॉन ही होगा ये भी होता है H प्लस इस पर भी एक प्रोटॉन ही होगा तो इस पर भी चार्ज e होगा लेकिन आपने पढ़ा है एल्फा होता है एच ई e+++, प्लस प्लस इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हुए हैं तो इस पर चार्ज होता है बच्चों टू ई मैंने क्या किया तीनों मास तीनों पार्टिकल के मास और चार्ज की वैल्यू लिख ली मुझे रेडियस निकालनी है यहाँ पर मुझे काइनेटिक एनर्जी दी है अगर मैं काइनेटिक एनर्जी से इसको रिलेट करता हूँ तो ये होता है रूट टू एम के अपॉन क्यू बी ये कितना होगा हमारा रूट टू एम के अपॉन क्यू बी राइट अब देखिए अगर मैं बेटा इसमें अरेंज करूँगा तो ये आएगा रूट टू एम पी काइनेटिक एनर्जी के अपॉन ई मैग्नेटिक फील्ड बी के और बी आपको क्या बोले हैं सेम है सेम अगर बेटा मैं यहाँ पर लिखूंगा तो ये आएगा रूट टू एम कितना है इसका टू एम पी काइनेटिक एनर्जी के है चार्ज ई मल्टीप्लाइड बाई जो भी मास की वैल्यू है वो मैं मास की वैल्यू पुट कर रहा हूँ जो चार्ज के वो पुट कर रहा हूँ के और बी अपना सेम है जैसे अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो ये आएगा टू इन टू ये हो जाएगा अपना फोर एम पी मल्टीप्लाइड बाई काइनेटिक एनर्जी के अपॉन चार्ज टू ई इन टू आया समझ में मैंने क्या किया बेटा इन तीनों की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दिया कि इनकी वैल्यूज़ क्या क्या होंगी अब देखो ई बी एम पी के एन टू टू एम पी के ई बी टू एम पी के ई बी तो कैंसिल हो गया राइट इसमें तो कुछ नहीं बचा तो ये बचा वन ये बचा रूट टू और ये रूट फोर हो गया टू टू अपॉइन्ट टू वन तो इनका रेडियस रेशियो आएगा वन रूट टू रेशियो पर आर्य बात समझ में इस टाइप के हमें कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सबसे पहले दे देता है कि आपको चार्ज पार्टिकल की रेडियस को कंपेयर करा लेगा टाइम पीरियड को आपको कंपेयर करा लेगा कुछ भी डेटा देके तो इनसे हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है बस हमें पता होना चाहिए कि इन चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या है अगर आपको चार्ज पार्टिकल का मतलब पता है तो आप बड़ी आसानी से ऐसी प्रॉब्लम को अटैम कर सकते हो बड़ी आसानी से आप ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो आपको कहीं भी कैसी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अरे में चलिए तो इसे बच्चों नोट डाउन करो फिर हम अगले कॉन्सेप्ट की भी बातचीत करेंगे इस पर काफी न्यूमेरिकल बनते हैं जैसे मैंने पहले भी बोला है उन सारे न्यूमेरिकल्स को हम चेक करेंगे एक बार आप इनको लिख लें अब जैसे इसमें मैंने बेटा काइनेटिक एनर्जी सेम दी है अब आपको मोमेंटम सेम दे देता तो आप लिखते फिर इसको पी अपॉन क्यू बी मोमेंटम सेम होता बी भी सेम है तो क्यू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहे होते या मैं बोल देता सेम वोल्टेज से एसिलेट किया है तो फिर आप लिखते काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू में अगर सेम वोल्टेज से एसिलेट किया है तो वोल्टेज सेम होता काइनेटिक एनर्जी तब भी अलग अलग हो जाती तो इस तरीके से टेक्निकल वाइज क्वेश्चन को भी घुमाता है रेडियस के फॉर्मुले मैंने जो तीन आपको बताए थे ना उनका रीजन ही ये था आपको बोल दिया सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं सेम मोमेंटम से मूव कर रहे हैं सेम काइनेटिक एनर्जी है या सेम वोल्टेज है किसी भी तरीके से घुमा ले अगर आपने बेसिक को अच्छे से समझ रखा है तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते है? आ रही हो ठीक है आर्य बात समझ में जैसे अगर मैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी को रफ कर देता और मैं बोलता सेम वेलोसिटी है तो आंसर क्या होते वो चेक देखिए ये वाला सेक्शन मिटा देता हूं मैं आपको क्या बोला है कि वेलोसिटी सेम है रेडियस का रेशियो बताना है आपने पढ़ रखा है बेटा रेडियस आर डेट इज इक्वल टू होगा एम बी अपॉन क्यू बी अब वेलोसिटी सेम है मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो ये आएगा एम पी वी अपॉन ई वी ये आएगा आपका टू एम पी वी अपॉन ईवी और ये आएगा आपका फोर एम पी वी अपॉन टूवी राइट एम पी तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहां से रेशियो बनता वन रेशियो टू रेशियो टू अब रेशियो क्या हो गया चेंज हो गया आ रही है ना समझ में तो किसी भी तरीके से घुमा ले ये तो होगी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बस हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमसे पूछा क्या है किस तरीके से उस वैल्यू को मुझे पुट करना है तो हम बड़ी इजीली आंसर्स को निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं कि रेडियस का रेशियो क्या होगा या बाकी भी जो भी डेटा हमसे पूछा जाए उस डेटा को हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं आ रही है बात सज में चलिए तो इसे आप नोट डाउन करो फिर बातचीत करते हैं बच्चों अगले कॉन्सेप्ट की और बातचीत करते हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे यहाँ पर आती हैं कैसे क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं ऐसे ये कॉन्सेप्टअल हो गए कैलकुलेटिव क्वेश्चंस की हम बातचीत करेंगे कैसे कैलकुलेटिव प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर फ्रेम होती है लिखो बच्चों चलिए कैलकुलेटिव की बातचीत करते हैं जैसे यह आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है इज इक्वल टू है फाइव टेस्ला क्लियर कितना दिया हुआ बे इक्वल टू फाइव टेस्ला मैं यहां पे बोल देता हूं कोई भी बेटा ये माइनस क्यू चार्ज है क्यू डेट इज इक्वल टू माइनस के थ्री कू राइट और ये मूव कर रहा है विदा वेलोसिटी टेन मीटर पर सेकेंड टेन मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है डिटरमाइन द टाइम ऑफ जर्नी इन मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है कितने टाइम के लिए ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा इसका टाइम ऑफ जर्नी मैग्नेटिक फील्ड में कितना होगा इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी है डिटरमाइन द टाइम ऑफ जर्नी इन मैग्नेटिक फील्ड कितने टाइम के लिए मैग्नेटिक फील्ड में रहने वाला है ये आपको हमें बता रहा है क्लियर चलो सोच के देखो किस तरीके से निकालोगे टाइम ऑफ जर्नी इन मैग्नेटिक फील्ड बहुत आसान सी प्रॉब्लम है कैलकुलेटिव है लेकिन अभी मैंने आसान क्वेश्चन दिया है धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाऊंगा धीरे धीरे हम क्वेश्चन की डिफिकल्टी को भी बढ़ाते हुए जाएंगे लेकिन उससे पहले आपको ये इस बात को अच्छे से समझना है कि ये होता क्या है बाकी मेरे साथ समझ लो कैसे सॉल्व करेंगे देखो बच्चों जैसे ये चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पर जाएगा तो ये बात तो सिंपल है कि इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा विच इज इक्वल टू तो होगा क्यू वी वी साइंटिट और डायरेक्शन को हम निकालने वाले हैं लेफ्ट हैंड रूल से फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड मिडल फिंगर को वेलोसिटी तो थम जा रहा है अपना ऊपर दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज पर तो फोर्स लगेगा ऊपर बस चार्ज हमें नेगेटिव दिया हुआ है इसलिए फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी समझ लो नेगेटिव से मैंने पहला प्रॉब्लम लिया है यहाँ पर फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड मिडल को वेलोसिटी तो थम जा रहा है बच्चों ऊपर तो डैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज होता है तो फोर्स ऊपर लगता बट यहाँ नेगेटिव चार्ज है इसलिए मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगा और ओवरऑल ये चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करके निकल तो आपको बताना है कितने टाइम तक कि ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया उस टाइम को मुझे डिटरमाइन करना है अगर मैं सीधी सीधी बात बोलूं इस चार्ज को मैंने बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो ये रोटेट होने वाला है सर्कुलर पाथ में मूव करने वाला है ओवरऑल इसकी कोई ना कोई रेडियस होगी कोई ना कोई टाइम पीरियड भी होगा लेकिन मैंने रेडियस और टाइम पीरियड ना पूछकर मैंने तो टाइम ऑफ जर्नी पूछा है अब देखिए टाइम ऑफ जर्नी को कैसे लिखा जाए यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल हॉरिजेंटल वेलोसिटी से इसमें एंटर करता है अगर ये हॉरिजेंटल से एंटर करेगा तो ही ये चार्ज पार्टिकल बाहर निकलेगा अगर ये हॉरिजेंटल बच्चों एंटर कर रहा है तो ये चार्ज पार्टिकल हॉरिजेंटल ही अपना बाहर निकलेगा डैट मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सेमी सर्किल कवर करेगा कितना कवर करेगा सेमी सर्किल आ रही है बात समझ में मुझे निकालना है टाइम तो आपने पढ़ रखा है बेटा इसने सेमी सर्किल कवर किया है तो टाइम डेट इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना डिस्टेंस कवर किया सर इसने पाई आर वेलोसिटी अभी या तो ऐसे लिख लो या सीधा सीधा बोल दो सेमी सर्किल है तो हाफ ऑफ टाइम पीरियड हो गया मतलब कि टी बाई टू हो गया और इसको बच्चों अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा पाई एम अपॉन क्यू एम अपॉन क्यू भी पुट करोगे आपको M और Q एंड V गिवन है पाई की वैल्यू हमें पता है तो टोटल टाइम जो इसने स्पेंड किया है विच इज़ इक्वल टू होगा कितना टाइम इसने, इसने स्पेंड किया पाई एम अपॉन क्यू भी यहाँ वेलोसिटी का डेटा तो अपना यूज ही नहीं आएगा आ रही बात समझ में तो इस टाइप के हमें कैलकुलेटिव प्रॉब्लम भी दे देता है हालांकि और भी ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए जाएंगे एक एक कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझेंगे तब तो हम अगले कॉन्सेप्ट पर जंप करने वाले हैं क्लियर तो ये वाली बात आ रही है समझ में चलिए इस वाले न्यूमेरिकल को भी आप नोट डाउन करो फिर अगले न्यूमेरिकल पर आते हैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और कैसा कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर फ्रेम हो सकता है और कैसी प्रॉब्लम मेरी यहाँ पर आ सकती है चलिए देखो बच्चों अगला न्यूमेरिकल ले लेते हैं जैसे मैं ऐसे बोल देता हूं कि वही मुझे बेटा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है बी डेट इज इक्वल टू ए फाइव टेस्मा राइट अब आपको बोला है कि ये कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है ये वेलोसिटी से एंटर कर रहा है ऑरिजेंटल से 45 डिग्री के है। ठीक है डिटरमाइन वही सेम टाइम ऑफ जर्नी क्योंकि तो रेडियस तो वही सेम फॉर्मूले से निकलेगी एम बी अपॉन क्यू बी से टाइम ऑफ जर्नी इन मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है ये अगर आप निकाल पाओगे तो आप सारा डेटा निकाल सकते हो और जो भी इसमें पूछा जाए ये मैग्नेटिक फील्ड बना है फाइव टेस्ला का चार्ज पार्टिकल वी विलोसिटी वी को आप चाहे लिख लो टेन मीटर पर सेकेंड है चार्ज की वैल्यू टू टू लिख लो मास को मासन ग्राम लिख लो तो आपको बता रहा है कितने टाइम में ये ट्रेवल करके यहाँ से निकल जाएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड में टाइम ऑफ जल्दी कितना होगा इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमको सोचना है टाइम ऑफ जल्दी को कैसे निकाला जाए चलो इसे लिखो सोचो वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करना स्टार्ट करो एकदम आसान है और जितना क्वेश्चन को आप बच्चों ट्राई करोगे उतनी बेटर आप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाओगे उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप सॉल्व कर पाओगे क्लियर चलिए देखो बच्चों कैसे लिखेंगे आप समझ लो बाकी मेरे साथ अगर मैं बेटा यहाँ पर बातचीत करूँ ये चार्ज पार्टिकल 45 डिग्री एंगल पे एंटर कर रहा है कितनी वेलोसिटी से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से क्लियर अगर आप देखोगे यहाँ पर अभी अभी भी इसकी जो वेलोसिटी है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है वेलोसिटी इधर है वेलोसिटी तो एक्स वाई प्लेन में है मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है That means, अभी भी विटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ओवरऑल इस पर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा और ये ऐसे सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री में मूव करता हुआ बाहर निकल जाएगा ये ऐसे सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री में मूव करता हुआ बाहर निकल जाएगा और सेम उसी एंगल पर बच्चों ये बाहर निकलेगा जितने एंगल पर ये एंटर किया था डेट मीन्स 45 डिग्री पर ये बाहर निकलेगा और ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अब भी परपेंडिकुलर है ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हुआ है मैग्नेटिक फील्ड कोई एंगल पे आया है मैग्नेट ये 45 दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में तो मैग्नेटिक फील्ड अब भी परपेंडिकुलर ही है आर्य ये बात तो इतनी लेंथ इसने कवर की अगर मैं इस लेंथ को निकाल लूं तो मैं बता दूंगा इसको कितना टाइम यहाँ पर लगा फोर्टी फाइव पर ये एंटर किया तो फोर्टी फाइव पर ये बाहर निकलेगा और अभी ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव से ये आ जाएगा आपका नाइन्टी तो अगर बेटा मैं लिखता हूँ इसने लेंथ कितनी कवर की तो सिंपल सी बात है बेटा आर्क लेंथ लिखोगे डेट इज इक्वल टू होता है थीटा तो रेडियस तो आर है एंगल 90 है जिसको आप लिख सकते हो पाई बाई टू डेट मीन्स इसने मैग्नेटिक फील्ड में पाई आर बाई टू डिस्टेंस ट्रेवल किया और अगर मुझे यहाँ पर टाइम लिखना है तो ये होगा अपना डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम क्या हो जाएगा अपना बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस तो है अपनी पाई आर बाई टू स्पीड है अपनी स्पीड कितनी है अपनी वी बस यहाँ पर वैल्यूज मुझे पुट करनी है आर और बी की तो मैं बोल दूंगा बेटा टाइम इसको कितना लगने वाला है आई बात समझ में नहीं रही और रेडियस को क्या लिखोगे तो रेडियस आपने पढ़ रखा है डेट इज अम वी अपॉन कितनी होती है रेडियस एम वी अपन क्यू भी रेडियस पता है तो मैं टाइम बड़ी आसानी से निकाल सकता तो इस टाइप से भी क्वेश्चन को आपको घुमाने का ट्राई करेगा लेकिन हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग को एकदम क्लियर रखना है बिल्कुल भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर अब भी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है सर्कुलर पाथ में जाएगा जितने एंगल पे एंटर किया उतने एंगल पर बाहर निकल जाएगा बस इतनी सा डिफरेंस आई बात समझ में तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन करो एक और प्रॉब्लम मैं आपको कराता हूँ जो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है जेई के हिसाब से है लेकिन हमारे नीट में उसकी लर्निंग बहुत ज़रूरी है उसके बिना नीट की लर्निंग पूरी नहीं हो पाएगी कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है उसके लिए चलिए तो इसको लिख लो फिर भीट बेटा अगले कॉन्सेप्ट की बातचीत करते हैं कैसा क्वेश्चन बनने वाला है मैं इसे बंद कर देता हूँ जब तक चलिए चलो बच्चों अगला न्यूमेरिकल चेक करते हैं और कैसा न्यूमेरिकल हमारा यहाँ पर फ्रेम हो सकता है देखो बच्चों ये न्यूमेरिकल थोड़ा समझ लेना कॉन्सेप्चुअल है लेट से मैं बोल देता हूँ बेटा ये कोई भी आपको एक रीजन गिवन है और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है जो कि अपना वही इन डायरेक्शन में एंड लेंथ ऑफ दिस रीजन दैट इज इक्वल टू हे इसके लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जीरो है इसके राइट right साइड में भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जीरो है मैग्नेटिक फील्ड ओनली इसी रीजन में प्रेजेंट है बी लेफ्ट और राइट right में दोनों जगह जीरो है और यहाँ पर इसका लेंथ जो दी हुई है वो डी है कोई भी एक बेटा ये अपने पास चार्ज पार्टिकल है क्यू जो वी विलॉसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है राइट वी विलॉसिटी से एंटर कर रहा है देन डेटा माइंड टाइम ऑफ जर्नी इन मैग्नेटिक फील्ड टाइम ऑफ जर्नी इन मैग्नेटिक फील्ड यह आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड में यह कितने टाइम के लिए ट्रेवल करेगा आपको गिवन है फर्स्ट कॉन्सेप्ट वेयर डी इज ग्रेटर देन एम बी अपॉन क्यू और सेकेंड केस है डी इज लेस देन एम बी अपॉन क्यूब पहली प्रॉब्लम में डी एम वी अपन क्यू बी से बड़ा है दूसरे में डी एम वी अपन क्यू बी से छोटा है दोनों क्वेश्चन में आपको बताना है टाइम ऑफ जर्नी कितना होगा इस कॉन्सेप्ट को आपको सोचना है किस तरीके से सॉल्व किया जाए कैसे हमें टाइम ऑफ जर्नी निकालना है मैंने हालांकि आपको दो प्रॉब्लम टाइम ऑफ जर्नी पर सॉल्व कराई है एक ये वाला क्वेश्चन में भी मैंने टाइम ऑफ जर्नी पूछा था इससे पहले वाले में भी मैंने आपसे टाइम ऑफ जर्नी पूछा था तो बस आपको ये निकालना है बेटा इस प्रॉब्लम में टाइम ऑफ जर्नी कितना हो कॉन्सेप्ट को सोचो एकदम आसान सा प्रॉब्लम है बस आपको तरीके से सोचना है अगर आप प्रॉपरली सोचोगे तो बड़ा इजीली आपका आंसर भी यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा इजीली आप फाइंड आउट कर पाओगे इसका आंसर क्या आएगा बाकी मेरे साथ समझ लो जो लोग सॉल्व कर रहे हैं वो वीडियो को पॉज कर लो बाकी मेरे साथ समझ लो कैसे इसे सॉल्व करने वाले हैं जैसे फर्स्ट का सॉल्यूशन मैं ले लेता हूं पहले वाले पार्ट का देखो बच्चों यहाँ पर ये वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड है तो ओवरऑल लेफ्ट हैंड रूल जैसे मैं अप्लाई करूंगा तो इस पर अपवाद डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा एंड ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स ये सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देगा तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा अरे बात समझ में कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा अब देखिए पहले केस में बोला है कि ये जो है डी ये एमबी अपॉन क्यूबी से बड़ा है अगर मैं बातचीत करूं रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ अगर मैं रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ की बातचीत करूं तो आपने पढ़ रखा है बेटा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होता है एम बी अपॉन क्यूबी रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कितना होता है एम बी अपॉन क्यूबी इतने रेडियस के सर्कुलर पाथ में ये जाएगा अब जैसे ही ये सर्कुलर पाथ में जाता तो देखो मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस तक ये जाता है एम बी अपॉन क्यूबी तक जैसे अगर ये ऐसे बढ़ना चालू होगा तो मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस तक बढ़ पाता है एम बी तक लेकिन जो डी डिस्टेंस है वो एम बी अपॉन से बड़ा है ऐसे समझ लो रेडियस है वन मीटर ये डिस्टेंस है टू मीटर तो ये बड़ी आसानी से मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे घूम जाएगा अगर ये डी बड़ा है रेडियस से तो बड़ी आसानी से इस तरीके से घूम जाएगा आ रही बात समझ में और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में आसानी से घूम पा रहा है तो मैं बोल सकता हूँ बेटा इसको जो टाइम लगेगा विच इज़ इक्वल टू होगा टी बाई टू सेम लास्ट टू लास्ट प्रॉब्लम हो गई कि ये हॉरिजेंटली एंटर कर रहा है तो हॉरीजेंटली ये पार्टिकल बाहर आ जाएगा और आसानी से पूरा सर्किल ये घूम पाया है क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है इसकी रेडियस से बड़ा है ये इसकी रेडियस बनती यार लेकिन ये डी रेडियस से बड़ा है तो ये पूरा घूम गया तो इसलिए पहले वाले का जो केस में टाइम आता वो तो आ जाता हमारा pi मॉन क्यू भी जो एकदम आसान है और इस पर तो मैंने क्वेश्चन भी आपको करा रखा है क्लियर ओनली जो कॉन्सेप्ट बनता है वो ये वाला है कि जब डिस्टेंस एम बी अपॉन क्यू बी से छोटा है तो टाइम को कैसे निकाला जाएगा किस तरीके से इस अप्रोच को फॉलो किया जाएगा पहली वाली बात आ रही है समझ में पहले पहला वाला समझ लो फिर सेकेंड वाले को हम काफ़ी अच्छे से समझेंगे एक एक पॉइंट को समझेंगे कि कैसे इसका टाइम निकाला जाएगा चलिए सेकेंड वाले की जैसे बातचीत करें आपको बोला क्या है कि ये रीजन है ये डिस्टेंस है डी जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और यहां पर ये बेटा चार्ज पार्टिकल है क्यूं? ये वेलोसिटी से जा रहा है और आपको बोला है कि जो डिस्टेंस अपनी एम बी अपॉन क्यूबी से छोटी है अब देखिए ये कितने रेडियस के सर्किल में जाता एम बी अपॉन क्यूबी के में डेट मीनस ये ऐसे जा रहा होता लेकिन ये कहां तक जाता है रेडियस तक जाता है अपनी बट यहां पर ये जो डिस्टेंस है इसकी रेडियस से क्या है छोटी है आपको क्या बोला है कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस रेडियस से छोटी है तो ये पूरा सर्किल नहीं घूम पाएगा इससे पहले ये मैग्नेटिक फील्ड के एंड पॉइंट पर पहुंच जाएगा और यहां से ये ऐसे बाहर निकल जाएगा आई बात समझ में कि ये पूरा सर्किल घूमता आगे जाके उससे पहले ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ख़त्म हो गया तो ये इतना सा ही मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा फिर सीधा सीधा निकल जाएगा डैट मीन्स ये ए पोजीशन से बी पोजीशन तक ही मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल किया तो अगर मैं ए पोजीशन से बी पोजीशन का टाइम लिखता हूं तो ये होगा ए पोजीशन से बी पोजीशन की डिस्टेंस अपॉन स्पीड इस तरीके से मैं इसका टाइम लिख सकता कैसे भी मुझे पता लग जाए कि ये कितना डिस्टेंस इसने ए से बी तक कवर किया है तो मैं बता दूंगा इसको कितना टाइम यहाँ पर लगेगा आई बात समझ में सिंपल ये अब सेमी सर्किल में नहीं घूम पाया क्यों नहीं घूम पाया ये भी हमें समझ में आ रहा है अब देखिए अगर बच्चों में बातचीत करूं लेट से ये इस सर्किल का सेंटर है ये ऐसे सेंटर आर रेडियस के सर्कल में जाता कितने रेडियस के सर्किल में जाता है ये आर में आरियस में लेट्स से ये थीटा एंगल ही चल पाया और थीटा एंगल चलने के बाद ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ गया तो मैं बोल सकता हूं कि जो डिस्टेंस ए बी है विच इज इक्वल टू होगा आर थीटा बस ये मेरा थीटा डिटरमाइन हो जाए तो प्रॉब्लम अपनी सॉल्व हो जाएगी आई बात सज में ये थीटा डिटरमाइन हो जाए तो डिस्टेंस आ जाएगी डिस्टेंस से टाइम आ जाएगा अब देखिए थीटा कैसे लिखोगे जैसे अगर मैं यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो मैं बोल सकता हूँ साइन थीटा दैट इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हेयर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू डी एंड हाइपोटेनियस इज आर तो मैं बोल सकता हूँ हेयर थीटा दैट इज इक्वल टू होगा साइन इनवर्स डी अपॉन आर आगे थीटा की वैल्यू ओवरऑल मैं बोल दूंगा बेटा डिस्टेंस ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू होगा आर साइन इनवर्स डी अपॉन आर डेट मीन्स टाइम विच इज़ इक्वल टू आएगा अपना डिस्टेंस रेडियस तो है एम बी अपॉन क्यू बी अपॉन विलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई साइन इनवर्स डी अपॉन आर आर यहाँ पर भी लिखोगे तो एम बी अपॉन क्यू बी बी से बी कैंसिल आउट तो टाइम आएगा एम अपॉन क्यू बी साइन इनवर्स क्यू बी डी अपॉन एम बी इतने टाइम के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करेगा आंसर देखने में हालांकि थोड़ा सा खतरनाक लगता है लेकिन जो प्रोसीजर है वो एकदम आसान है जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम सीधा सीधा सा है बस आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है तो आप प्रॉब्लम बड़ी आसानी से अटैम्प्ट कर पाओगे आप बड़ी आसानी से लिख पाओगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी आई बात समझ में बच्चों चलिए तो इस वाले कॉन्सेप्ट को भी आप नोट डाउन करो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर मैंने आज इस पूरे लेक्चर में आपको बताया कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स एज अ सेंटिपिटल फोर्स बिहेव करता है और अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो रेडियस कितनी होगी टाइम पीरियड कितना होगा रेडियस को अलग अलग तरीके से किन किन फॉर्मेट में लिखा जा सकता है टाइम पीरियड को किन किन फॉर्मेट में लिखा जा सकता है ये बातचीत की फिर हमने डिस्कस किया फ्रिक्वेंसी एंगुलर फ्रिक्वेंसी कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स के बारे में भी अगर आपसे पूछ ले तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इनके बारे में भी आप निकाल सकते हो उसके बाद फिर मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल कराए फिर कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल कराए और लास्ट न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया जिससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि एक्जैक्टली exactly होने वाला क्या है आ रही समझ में अगर स्टिल आपको अब भी कोई डिफिकल्टी हो कोई भी क्वेश्चन आप पे अगर सॉल्व नहीं होता है तो यू कैन आस्क ऑन योर रेस्पेक्टिव टेलीग्राफ ग्रो क्लियर तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नाउ विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू